नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई, वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, किचन गार्डन मतलब किसी को ज्यादा शौक भी ना हो तो बिल्कुल नॉमिनल सी चीजें मेरी की तरह उगा ही लेता है। और ये देखो, पीछे जो हमने मेथी उगाई थी वो कितनी अच्छी उगी। आप पूछ रहे थे आपकी मेथी कैसी चल रही है। और ये देखो, बिल्कुल वेस्ट डब्बा था ये। और देखो, इसमें अपनी सर्दियों की सब्जी तैयार हो गई है। मान लिया हमें एकदम से जरूरत पड़े मेथी की तो अपने गार्डन से हम ले सकते हैं, ज्यादा भी ना उगाओ। लेकिन जो बिल्कुल एसेंशियल चीजें है ना, वो तो उगा ही लेनी चाहिए। मिर्चों की हमें कितनी जरूरत पड़ती है ना, कभी भी पड़ जाती है। और कई बार सब्जी होती है मिर्च नहीं होती तो अपने गार्डन से हम ले सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मेरी तरह आप भी उगा लिया करो। क्योंकि देखो, मैंने भी इतनी ज्यादा नहीं उगा रखी, लेकिन हाँ, वो चीजें जो मुझे बहुत पसंद है और मैं ज्यादा यूज करती हूँ ना किचन में, उनको मैंने एक अमाउंट में उगा रखा है। तो इमरजेंसी में जब भी जरूरत पड़ती है फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो भाई चलो, चलते हैं, करते हैं शुरुआत। तो पीछे हमने पालक उगाया था, आज उगाते हैं धनिया। ये मेन चीजें है ना। मेथी अपनी उगी है, पालक हमने हमने उगा लिया था, और मेन है अब सर्दियों का धनिया। और धनिया के बिना तो दोस्तों सब्जी वैसे ही अच्छी नहीं लगती। और हर चीज में मतलब धनिया अच्छा लगता है जब आप पूरी रेसिपी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं और ऊपर से जब स्प्रिंकल करते हैं तो उस डिश की जो शोभा है ना, वो बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं, और उसके लिए पहले सोयल तैयार कर लेते हैं। एक तरह की सोयल मैंने आपको उस दिन पालक के साथ उगा के दिखाई थी कि किस तरह लेयर में आप कंपोस्ट और सोयल बिछा सकते हो। लेकिन अब गमले बहुत सारे हैं और जल्दी से करते हैं काम, फटाफट से इनको फिल कर लेते हैं। और ये जो थोड़े से वैसे भुरभुरी मिट्टी है, देखो मैं हाथ से भी तोड़ रही हूँ ना, तो बड़े आराम से टूट रही है। कोई हार्ड मिट्टी नहीं है, बिल्कुल ताजी मिट्टी है खेत की, जो मैं नर्सरी से ही लेके आई थी। बस इसको तैयार कर लेते हैं और इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिला लेंगे ताकि अपनी सोयल जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और फटाफट से फिर मैं गमले भर के उनमें सब्जियां लगा दूंगी। तो देखूंगी कौन कौन से बीज लगाऊंगी। फिलहाल आपको मैं धनिया उगा के दिखा देती हूँ कैसे उगाना है आपने। और इन सबको जो भी हमने ये सामान लिया है, मिट्टी है, और दोस्तों सैंड अगर आप चाहो तो मिला सकते हो, ज्यादा आपकी हार्ड मिट्टी है। नहीं तो भाई अगर सैंड मिली मिट्टी है, क्योंकि ये बिल्कुल ताजी मिट्टी है और वैसे भी सैंडी सी सोयल है ये, तो इसमें मुझे मिलाने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं कंपोस्ट मिला रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपकी बहुत हार्ड सी मिट्टी है तो आप थोड़ी सी सैंड जरूर मिला लेना ताकि आपकी भुरभुरी सी मिट्टी तैयार हो जाए। और थोड़ी सी बिल्कुल कंपोस्ट मिलाई है मैंने, कोई ज्यादा नहीं मिलाई। तो ये है कि अपनी सोयल अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जो सोयल है ये भी बिल्कुल फ्रेश है, एकदम खेतों की मिट्टी है ये, खूब उपजाऊ। तो इससे मैं अपने गमले भर लेती हूँ। तो चलो इसको मिक्स कर दूँ एक बार अच्छी तरह, फिर आपसे मिलती हूँ गमला तैयार करने के टाइम। तो एक बार इसको अच्छे से मिला लो, ऊपर नीचे कर लो सारी सोयल को, फिर अपना जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, सारी मिक्सअप हो जाएगी ना ये। और ये भाई कुछ बीज आज सुबह मैं लेके आई थी, ये आप पूछोगे किसके हैं। ये हैं भाई रेन लिली के बीज हैं, येलो वाले के। मेरे पास व्हाइट थे तो किसी की क्यारी के बाहर ये झड़े हुए थे बीज। इनमें ना नीचे से भी आप उगा सकते हो आप जड़ से, और फूल में से भी ये काले काले से बीज बन जाते हैं, वो झड़े हुए थे। फिर मैंने अपने चुन्नी के पल्ले में बांध लिए, वही गिर ना जाए। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको भी उगा लूंगी क्योंकि येलो कलर मेरे पास था नहीं। और ये कुछ सब्जियां हैं जो आप देख रहे हो, इनमें से देखती हूँ मैं क्या क्या उगाती हूँ। तो पहले तो आपको धनिया उगा के दिखा देती हूँ, और फिर मैं यहाँ काम करते करते कोई गमला खाली होगा ना तो फिर मैं और भी उसमें बीज बो दूंगी। और इन गमलों में दोस्तों मैं कुछ मटर वगैरह के बीज भी डाल दूंगी, मटर भी हम बहुत यूज करते हैं है ना। तो जैसे आप बहुत छोटी चीज लगाते हो ना, जैसे पालक उगाया आपने या मेथी उगाई या धनिया उगाया, तो उसके साथ ना ऐसे और भी ऐसा सॉलिड सा प्लांट उगा दिया करो। क्योंकि देखो ये सब्जियां जो है नीचे नीचे तैयार होती हैं और लीव्स होते हैं इनके, और ऊपर आपका एक अच्छी सब्जी का पौधा भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से उगाया करो। तो इस तरह से एक ही गमले में दो तीन चीजें आपकी तैयार हो जाती हैं। ड्रेनेज होल हमने पहले ही बना लिए थे जब मैं इनको लेके आई थी, और वैसे आपने बनाने हैं तो पेचकस मैंने आपको दिखा दिया, गर्म करो और इससे आप होल बना सकते हो। और भाई गमला बनाते वक्त मतलब ड्रेनेज होल में से पानी ना निकले, और उसके साथ साथ देखो सोयल भी निकलती है आपकी इतनी अच्छी, तो उससे बचने के लिए आप या तो इसमें पुराना कोई भी कपड़ा अनयूज्ड, जो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते ना किसी को दे सकते, वो वाला कपड़ा बिछा सकते हो। और क्योंकि गार्डनिंग में फिर यूज हो जाएगा, फेंकने से ही बच जाओगे। और नहीं है भाई कपड़ा तो आप फाइबर की जो ये पॉली बैग्स आते हैं उनको ही बिछा सकते हो। उससे भी क्या होगा कि पानी छन के ही नीचे गिर जाएगा ड्रेनेज होल से,
और इस तरीके से आपके ड्रेनेज होल भी बंद नहीं होंगे, आपने जिस सरफेस एरिया पे अपना गमला रखा हुआ है तो वहां भी गंदा नहीं होगा आपका। तो बस इसको कर देते हैं कवर। आज है काम ज्यादा तो मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं आराम से लगी रहूंगी। आज मौसम भी अच्छा है, धूप भी अच्छी आई हुई है, मन लग रहा है यहाँ धूप में बैठ के काम करने का। तो कई बार ना बड़ा मूड होता है गार्डनिंग करने का, है ना, हम काफी टाइम बिता देते हैं गार्डन में अपने ऐसे ऐसे काम करते हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है फिर। और अब तो मौसम भी इतना अच्छा आ गया है ना, वैसे ही दिल करता है काम करने का गार्डन में। तो बस कोई ज्यादा नहीं इसको ऊपर भरना, क्योंकि धनिये को कितनी मिट्टी की जरूरत होती है। ये है बस, अपने पास जगह होनी चाहिए उगाने की। और भाई इस तरीके से उगाने से ना आप कई बार धनिये की पैदावार ले सकते हो। जैसे जैसे मैच्योर होता जाए, आप काटते रहो नीचे से, और उगता रहेगा और उगता रहेगा, अपना लेते रहो। और सोयल आपने इतनी अच्छी बनाई दी है ना, उगने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि मट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जड़ों को फैलने के लिए थोड़ी सी भुरभुरी मट्टी हो तो अच्छा रहता है। अगर सॉलिड सी मट्टी ले लो ना, फिर ज्यादा प्लांट ग्रो नहीं करता। तो चलो पहले धनिये के उगा के आपको दिखा देती हूँ। बड़ी कॉमन सी सब्जी है ये, सब्जी क्या है, एक हर्ब भी है एक तरह की। बहुत गुण होते हैं धनिये में, आप गूगल पे सर्च करना। अभी तो मैं उगा रही हूँ। वैसे ऐसी नॉमिनल सी चीजें तो हर किचन गार्डन में होनी चाहिए, और बड़ी खुशी होती है इस चीजें देख के। अब देखो मेथी को आपने देखा शुरुआत में, कितना अच्छा लगा देख के, है ना, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो भी धनिये को आप ऐसे भी उगा सकते हो, और भी हाथ से ऐसे मसल के, जितने दो टुकड़े हो ठीक है, नहीं हो तो भी उग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ जितना मसला जा सके एक बार मसल दो, थोड़ा सा इसके टुप्पी सी खुल जाए, और जो अलग अलग हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, पर अपनी तरफ से थोड़ा सा मसल के ही डाल दो। तो बस जितना मसला जा रहा है मैं मसल रही हूं, और कई तो ऐसे दो टुकड़ों में हो जाएंगे, और कई थोड़े से खुल से जाएंगे लेकिन अलग से नहीं होंगे, उतना भी बहुत है। और वैसे उगाओगे कुछ ना करो तो भी उगी जाता है। तो देखो जितना मसला जा रहा है मसल रही हूं, और बस अब आपने इसको उगा देना है पूरी मट्टी को लेवल करके अच्छे से। तो इसमें ठीक सी मट्टी डाली मैंने, कोई ज्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी सोयल होगी अपनी और मॉइस्चर हो जाएगा, और अपना धनिया देखना कितना अच्छा उगेगा। जैसे मेथी उगाई थी, थोड़ी सी मट्टी थी उस मेथी के डब्बे में, क्योंकि वो कोई डब्बा ही नहीं है, वो एक चीज का ढक्कन सा ही है, उस ढक्कन में मैंने उगा ली थी मेथी, और बड़ी अच्छी उग रही है। और कसूरी मेथी की दोस्तों इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, जब मैं उगा रही थी तब भी आ रही थी, और अब इसके पास से भी निकलो ना तब भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन इसके बीज दूसरी तरह के होते हैं, जो हमारे घर में आम आती है ना मेथी, उससे अलग होते हैं भी थोड़े से बीज इसके। और बस कुछ नहीं करना, इन बीजों को बस हम थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये थोड़े से मिट्टी में लिपट से जाएं, कोई इतना ज्यादा इन पे सोयल डालने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि छेड़े ना, क्योंकि हमने देखो अलग अलग करके डाले हैं, हम छेड़ेंगे कभी एक साइड इकट्ठे ना हो जाए। तो आज इसमें पानी नहीं दूंगी मैं, कल दूंगी इसमें, थोड़ा सा एक बार सेट होने देती हूँ उसको, या शाम को जब मैं पौधों को पानी देती हूँ तब मैं इसको दे दूंगी। अरे नहीं तो आप एक साथ देना चाहते हो तो भाई पहले बीज को मतलब डालने से पहले आप सोयल को गीला कर सकते हो, और फिर बीजों को स्प्रिंकल कर दो, और इस तरह से मिट्टी को बुरका दो, थोड़े से बीज कवर से हो जाए, तो बस इस तरीके से भी ठीक रहता है। वो आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि मैं अभी पानी लेके नहीं बैठी, शाम को मैंने देना ही है। तो बस ये अपने लग गए, फिर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी इस पे आराम से। तो ये लग गई है भाई अपनी मेथी, और बस इसी तरीके से मैं और भी गमले बना लूंगी। जितना मेरे पास कपड़ा था मैं ले आई थी, नहीं तो ये फाइबर की जो ये पॉली बैग्स आते हैं ना, ये भी आप यूज कर सकते हो, तो सबके घरों में आराम से मिल ही जाते हैं, है ना, और आपके गार्डनिंग में भी काम आ जाएंगे ये फेंकने की बजाय। तो बस अब मैं करती हूँ और काम, बीज है बहुत सारे, देखती हूँ और भी गमले गार्डन में होगा कोई खाली तो वो भी देख लेती हूँ, उसमें कुछ उगा दूंगी। तो भी आज उगे हैं ये एक्जोरा के फूल, ये ड्वार्फ एक्जोरा है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना, सुंदर। अभी थोड़ी दिन में ना पूरा गमला भर जाएगा बिल्कुल फूलों से। और ये है रे इसके क्या नाम है इसका, रोइयो के बोट लिली जिसको बोलते हैं, देखो ये बोट में खिलते हैं फूल। बस थैंक यू वेरी मच।